गर्मियों का मौसम और यहाँ उत्तराखंड में बड़ी जोरों से ठंड, इसे प्रकृति की देन कहना ही सबसे अधिक उचित होगा। आज से तकरीबन 10 साल पहले मई माह में जब ऐसा ही सुहावना मौसम था, समय मध्य रात्रि का था, ठीक ऐसे वक्त पर श्री पूर्ण चंद्र भट्ट जी के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। बस फिर क्या था, परिवार वालों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और जब नामकरण करीब आया तो उन्होंने उस बालिका का नाम खुशी रखना उचित समझा। श्री पूरनचंद भट्ट जी की पुत्री संगीत की एक ऐसी बाल कलाकारा है जिसने इतनी कम उम्र में असंख्य कार्यक्रमों में अपने संगीत से लोगों का दिल जीत लिया है। छोटी सी खुशी आज पूरे 10 साल की हो चुकी है। खुद खुशी के पिता उसके बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। एक बच्ची जब हमारी छोटी क्लास फर्स्ट में थी तब मैं कैसियो लेके आया था, ये कैसियो बजाने लगी, तो उस दिन से मेरा मन भी लगा कि ये बेटी हमारी आगे बहुत कुछ करेगी। तो मैंने इसके जब स्कूल में ये बजाने लगी, आगे कई चीजें करने लगी, प्रोग्राम अपने, अभी हल्द्वानी के कम से कम 50 से 60 ये प्रोग्राम करके आई है। अभी कुछ टाइम पहले पवनदीप राजन जो गायकार है चंपावत के, उसके संग इनने प्रोग्राम किया हुआ है। कहते हैं माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। जब हमने खुशी की माता जी से खुशी की कामयाबी की बात की तो उन्होंने तो सारा श्रेय अपने पति को ही दे दिया। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। और आपने सबसे बड़ी इस पुत्री को जन्म दिया जो एक छोटी सी उम्र में भी उसने इतनी अच्छी उपलब्धि प्राप्त करी। हम पूरे दिन काम करते हैं, हम महीने काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं। अगर हमें उस थकान के बीच में थोड़ा संगीत सुनने को मिलता है तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। आपकी पुत्री में वो गुण है, वो संगीत के माध्यम से सभी के दिलों में राज कर सकती है। आप ऐसी माता होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द अपनी बेटी के बारे में बताइए कि आप अपनी बेटी के कार्यक्रम से क्या कहना चाहती है, हमारे मित्रों को क्या मैसेज देना चाहती है। कार्यक्रम तो ये तो है, कुछ सीखती, अच्छा है, बजाती है जी। ये प्रोग्राम हर प्रोग्राम में जाती है, अच्छा लगता है जी। इसके पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं तो करती हूँ, ये और ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है। ये है हर आगे बढ़े कुछ करे तो अच्छा लगेगा। आप मैंने देखा किचन में भी अच्छा खाना के लिए उसको इंटरेस्ट है, तो वो तो सिखाते हैं। अच्छा, वो सीखती है बहुत अच्छी तरह से। मैं कहती हूँ उसे सीख ले, आज बुलाती हूँ, सीख लेती है, चाय बना लेती है और थोड़ा थोड़ा काम कर ही लेती है, पढ़ाई भी करती है। तो खेलने का समय बिल्कुल मिलता है कभी खेलने का? हाँ, शाम को खेलते हैं, सुबह तो स्कूल, कभी स्कूल छूटे भी आते हैं, थोड़ी देर खाना पीना खाए भी आराम करते हैं जी। इसके बाद खेलते हैं, फिर शाम को यही बजाती, कैसे बजाती। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ और मैं भगवान से, परमपिता परमेश्वर से कहता हूँ कि आपकी बच्ची अपने क्षेत्र में सफल हो। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा लग रहा है ये बताते हुए, एक छोटी सी बच्ची मात्र 10 साल की उम्र, जिस उम्र में उन्होंने खेल पे, घूमने पे वक्त ज़्यादा देना था, उस वक्त में संगीत को समय दे रही है। जैसे कि मैंने बताया, संगीत हमारी सारी थकान को दूर कर देता है। उसे बड़ा अच्छा लग रहा है इस निवास स्थान में आकर रिपोर्टिंग करते हुए कि इस छोटे से बच्चे ने अपनी कम उम्र में इतनी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। ये अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रही है, आप भी इसे सपोर्ट करिए। आप भी इस बच्ची की तरह और बच्चों को सपोर्ट करिए। लड़कियां हमारी राष्ट्र की संपत्ति है, धन है, इन्हें आगे बढ़ने के लिए साथ दीजिए। जैसे कि इनके माता पिता दिन रात इनके लिए कार्य कर रहे हैं, आप इस कार्यक्रम को देखें और इस बच्ची को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दीजिए। इस बीच मैंने जब खुशी से संगीत सुनाने को कहा तो जवाब मिला, पहले चाय पिलाऊंगी फिर संगीत सुनाऊंगी। धन्य है खुशी की माँ जिसने अपनी बेटी को इतनी कम उम्र से ही इतना सशक्त बनाकर अपने पाँव पर खड़ा कर दिया है।
तो अब इस बाल कलाकारा की मधुर धुन का आनंद लीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि यह आने वाले दिनों में उत्तराखंड के साथ साथ भारतवर्ष का भी नाम रोशन करे। और हाँ, यदि आपके आसपास ऐसे ही प्रतिभावान व्यक्तित्व हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें बताएं, हम अपने चैनल के माध्यम से उस कला को देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। पुनः एक बार मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने जा रहे हैं।